हाउ टू मैक्सिमाइज अवर टाइम, हाउ टू मैक्सिमाइज अवर होल डे, कैसे हम टाइम को बढ़ा सकते हैं, कैसे एक अच्छा बेटर टाइमिंग शेड्यूल हम बना सकते हैं, या जो हमारा टाइम मिलता है लाइक होल डे तो उसे हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे उसका यूज करें कि वही डे हमारे लिए एक काफ़ी मैक्सिमाइज हो जाए। तो सबसे पहले मेक अ शेड्यूल, हमें सबसे पहले क्या है कि एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, लंच की डिनर की टाइमिंग है या जो भी हमारी वर्किंग टाइमिंग है, जो भी हमारे स्टार्टिंग डेज की एक्टिविटीज़ हैं और जो भी आपने मतलब अपने होल डे में करना होता है, तो वह हम एक राइट डाउन करने के बाद में काफ़ी सारा टाइम को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका अच्छा यूज कर सकते हैं। वहीं पर सेकेंड थिंग हम कर सकते हैं कि सेट अ टारगेट। लाइफ में हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए एक टारगेट लेके चलो। लाइफ में जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं वो हम टारगेट सेट कर सकते हैं, जिससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा कि अगर हमने कोई टारगेट अपने लाइक डे में हमने छोटे छोटे टारगेट सेट कर लिए हैं कि लाइक आज मैं वर्कआउट अगर कर रहा हूँ तो मैंने इतनी लिफ्टिंग करनी है, या मैंने अगर टारगेट सेट कर लिया है कि आज मैंने मतलब जो कॉलिंग को टाइम देना है वो 30 मिनट्स देने हैं या 1 आवर्स देना है या 10 मिनट्स देने हैं, कर सकते हैं कि मैंने जो है इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे स्टडी करनी है, मैंने आज इतने लेसन कम्प्लीट करने हैं, मैंने लाइक एक शेड्यूल एक तरीके से आप लेके चलेंगे तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। और जब छोटे छोटे हम टारगेट अपने आप को देते हैं और जो अचीव हम करते चले जाते हैं, तो इसी तरीके से एक बड़े गोल को अचीव करने में, एक जो हमारा डिज़ायर होता है लाइफ में उसे अचीव करने में आसानी होती है। वहीं हमें वी हैव टू बी वेरी क्लियर लाइक जो भी डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में होते हैं तो उसके लिए हमें एकदम डायरेक्टली नो का मतलब नो होना चाहिए। उसके फ़ायदे काफ़ी सारे हमें ये मिलते हैं कि हमें क्लियरली पता होता है किस चीज़ को नो बोलने वाले हैं और किस चीज़ को यस बोलने वाले हैं। सपोज दैट लाइक वन ऑफ योर फ्रेंड अगर आपको बोलता है कि लाइक हाँ हम एक घंटे के लिए मतलब थोड़ा प्ले ग्राउंड में चल रहे हैं या थोड़ा बाहर चल रहे हैं या मार्केट चल रहे हैं या फिर अदर वर्क से उनके चल रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर अपने आप टारगेट्स हैं आपके, अपने एक अपने माइंड में डिसाइड कर रखा है, अपने एक शेड्यूल बना रखा है, तो उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि वहाँ पर आपको डायरेक्टली नो बोलना है। और नो बोलने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो एक घंटा या दो घंटा वहाँ पर एक्सपेंड होने वाले थे वो बच जाएंगे। तो आपको डिस्ट्रैक्शंस के लिए या आपको आपको लगता है कि कहीं पे मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ या व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ या यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आउट ऑफ टाइमिंग अगर आप जा रहे हैं तो उस चीज़ को आप नो बोलें। आप अपना अगर कॉलिंग पर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो यू हैव टू बी नो लाइक वहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शंस आपको मिल रहा है उसके लिए आपको नो बोलना है। और हमें ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि किन चीज़ों को हमने नो बोलना है, उन चीज़ों को हमने यस बोलना है। तो नो हमेशा किन चीज़ों को बोलना है और वो वेरी क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में, इससे बहुत ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। और ये चीज़ हमें एक मतलब हमारे होल डे को मतलब यूज़ करने के लिए, टाइम को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, एक अच्छे तरीके से डे को यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है। आई होप कि सबको ये चीज़ें क्लियर हो।